हम भी इस भिवंडी के अंदर भिवंडी के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम स्टूडेंट्स यूथ महिलाओं को मिलाकर बहुत जल्द शाहीन बाग भी इंशाल्लाह बनाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, देखिए ये होती आपसी मोहब्बत। हमारी संविधान बचाओ संघर्ष समिति के एडहॉक कमेटी ने यह तय किया था कि बाहर से जो हमारे मेहमान मुकर्रिन आएंगे वही सब स्टेज पर बैठेंगे, बाकी उसके अलावा इस शहर के जितने भी कॉरपोरेटर, जितने भी एमएलए, साबिक एमएलए, साबिक खासदार, तमाम मजहबी मिल्ली जमातों के जिम्मेदार बहुत ही उम्मीद के साथ एक ताउन करते हुए नौजवानों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मौका दिया है। सब हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उन सबका शुक्रिया करते हैं। अभी नौजवान दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी जब उमर भाई की तकरीर हमारे यहाँ चल रही थी तो अभी अभी हमारे सामने हमारे एक मेहमान मुकर्रर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए जिस काले कानून के खिलाफ हम घर बार छोड़ के लाखों की तादाद में यहाँ जमा हुए हैं, इसी कानून के काले कानून के खिलाफ जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट राज्यसभा में पेश हुआ तो सबसे पहले हमारे पूना के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाइड इंडियन पुलिस सर्विस पुणे के साबिक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहतरम अब्दुल रहमान साहब आईपीएस ने अपना एहतजाजन इस्तीफा दिया। हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हम आईपीएस ऑफिसर थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, मैं बहन से गुजारिश करूंगा कि वहां आए और हमारे सामने सारे ख्याल करें।